मुद्दा रोज की तरह। दोस्तों आज जो मुद्दा है वो ये है कि दो ऐसे कौन से कारण हैं जिससे पोल्ट्री फार्मर के जो मॉर्टैलिटी है वो 90% तक होती है पूरे संसार में, हिंदुस्तान में ही नहीं। पहला कारण वायरल डिजीज, दूसरा कारण बैक्टीरियल डिजीज। अब वायरल और बैक्टीरियल डिजीज में फार्मर अंतर नहीं कर पाते तो इस वजह से भी बहुत सारे वो नुकसान झेलते हैं, जैसे रानीखेत जिसके लिए आप लसौटा देते हैं, गुम्बारो जिसकी भी आप वैक्सीन देते हैं, इन्फ्लुएंजा, ये वायरल डिजीज में आते हैं। अब आपने कभी नोट किया होगा कि कभी वायरल डिजीज आई किसी पोल्ट्री फार्म पे तो कभी सारे बर्ड नहीं मरते, थोड़े मरते हैं, थोड़े बच जाते हैं, या कई बार सारे ही मर जाते हैं, या कई बार बहुत 50-100 बच भी गए तो बच गए। तो वो जो बच गए वो क्यों बच गए और जो मर गए वो क्यों मर गए? जो बच गए वो इसलिए बच गए क्योंकि उनकी बीमारी से, वायरस से लड़ने की जो क्षमता थी वो बहुत स्ट्रांग थी। अब बहुत सारे लोग कमेंट करके हमसे पूछते हैं कि ये वायरल डिजीज हमारे पोल्ट्री फार्म पे आ गई है, एनडी आ गई है, रानीखेत आ गई है, गुम्बारो आ गई है, इन्फ्लुएंजा आ गया, तो आप हमें इसकी दवाई बताएं। दोस्तों इसकी कोई दवाई है ही नहीं, हम कहां से बताएं? जितने हिंदुस्तान के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो भी कहते हैं कि किसी भी वायरल डिजीज की कोई भी दवा या दवाई नहीं होती, इसकी एक ही चीज होती है, बीमारी आने से पहले बर्ड को इतना मजबूत बना दें कि बीमारी आए या वायरस आए तो बर्ड उसको झेल जाए। बहुत सारी हर्बल दवाइयां हैं जो बर्ड की रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से लड़ने की ताकत को इतना बढ़ा देती हैं कि कोई बीमारी आए तो नुकसान कम होता है, नुकसान या नहीं होता है। तो जैसे हल्दी, तुलसी, गिलोय, नीम, ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेती हैं क्योंकि बर्ड ऑलरेडी इनको यूज कर रहा हो तो मजबूत होता है। ये हम आपको कुछ लिंक आने वाले वक्त में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, सीधा ही आप अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों से सीधा ही खरीद सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे CRD, CCRD, ईकोलाई, इनकी दवाइयाँ हैं, लेकिन यहां भी हमें सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या बरतनी है? जब बर्ड आता है तो बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर्स की आदत है कि पहले 5-7 दिन वो एंटीबायोटिक देते हैं कि बर्ड हैचरी से आया कि कुछ उसमें इंफेक्शन हो तो हम उसको पहले ही खत्म कर दें ताकि आने वाली बर्ड की लाइफ बहुत अच्छी चले। बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी हैचरी से चिक्स आए उसमें इन्फेक्शन है या नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी हैचरीज भी हैं जहां पे आपको ये एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप एंटीबायोटिक यूज करने से पहले यह ध्यान रखें कि पहली स्टेज में जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं और आने वाले वक्त में अगर बर्ड बीमार हो जाता है और वही एंटीबायोटिक दोबारा आप देते हैं तो बहुत कम चांस होते हैं उससे बर्ड के ठीक होने पे। मैं एग्जांपल, एंड्रोफ्लॉक्सासिन बर्ड के आते ही आपने 5-6 दिन दे दिया और फिर उसके बाद बर्ड बाय चांस बीमार हो गया किसी बैक्टीरियल इंफेक्शन से और फिर आप एंड्रोफ्लॉक्सासिन देंगे तो वो एंड्रोफ्लॉक्सासिन का रेजिस्टेंस, मतलब बर्ड का शरीर उसका एक आदी हो जाता है, दोबारा आप उसको एंड्रोफ्लॉक्सासिन देंगे तो वो काम कर भी जाए, ये भी हो सकता है कि वो काम कम करे या ना भी करे। तो इसलिए एंटीबायोटिक आपको शुरू में जो यूज करना है वो लाइट एंटीबायोटिक यूज करें, ना करें तो वो बहुत बेस्ट है। लाइट एंटीबायोटिक जो गट पे भी काम करे और सिस्टम पे भी काम करे, मतलब उसके ब्लड में भी, ब्लड की स्ट्रीम के में भी काम करे, दोनों जगह से ही वो इन्फेक्शन हटा दे। ये वीडियो हम जल्दी डाल देंगे, आपको उसमें जानकारी दे देंगे, लेकिन यूज ऐसे करने हैं जो लाइट हो। अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ लेवोफ्लॉक्सासिन, एंड्रोफ्लॉक्सासिन या और एंटीबायोटिक अच्छे काम करते हैं तो शुरुआत के पहले 5-7 दिन तो आप बिल्कुल किसी भी हाल में मत दें। अब ये बैक्टीरिया और वायरस की एक छोटी सी लाइन भी मैं आपको बता दूं कि जो वायरस है ये बैक्टीरिया से कम 10 गुना छोटा होता है। और बैक्टीरिया की एक खासियत भी है, ऐसा नहीं कि उसमें सारी कमियां ही कमियां हैं, बैक्टीरिया की एक खासियत है कि वो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, लेकिन वायरस ज्यादातर पोल्ट्री के लिए तो बुरे ही माने जाते हैं। तो मैं अब अंत में आपको कुछ 2-3 बातें बताना चाहता हूं ताकि जिनको आप अपनी लाइफ में, अपने पोल्ट्री बर्ड पे, पोल्ट्री फार्म पे अपनाएं ताकि आपको वायरल और बैक्टीरियल डिजीज से जो बीमारियां होती हैं फार्म पे होती है, 90% 80% तो बीमारियां मोर्टैलिटी इन्हीं दो चीज़ों से ही हो रही है, बाकी और फंगल इन्फेक्शन है, ABC वो अलग हैं, टॉक्सिन्स हैं वो अलग, वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ वीडियो हम डाल भी चुके हैं। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपको बचाना है, सबसे पहले तो आप ये हल्दी, नीम, गिलोय और तुलसी, इनके पाउडर,
ये आप इनमें ऐड करें फीड की फार्मुलेशन में, उनका मैं जो फार्मूला है वो अगली वीडियोस में हम डाल देंगे, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये वीडियोस आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। कल ही एक वीडियो हमने डाली है, वो वीडियो भी आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, उसमें ब्लीचिंग पाउडर का बताया है हमने कि वो अगर आप पानी में मिला देंगे तो बैक्टीरिया उसमें खत्म ही हो जाते हैं और बिल्कुल नाम मात्र खर्च पे। और खाद, पोल्ट्री फार्म की जो खाद निकलती है वो कम से कम 200 फुट तो जरूर उसके पोल्ट्री फार्म से दूर कहीं आप ठिकाने लगा दें। वजह क्योंकि रास्ते में वो लोग रख देते हैं, आते जाते रहेंगे, पिछले लॉट के जो वायरस और बैक्टीरिया है वहाँ पे आते जाते रहेंगे। ये रिटेलिंग जो कर रहे हैं कुछ पोल्ट्री फार्म, जैसे ही बर्ड 1100-1200 ग्राम का हुआ, कुछ बर्ड उसमें 1300-1400 ग्राम के भी हो जाते हैं, तो रिटेल उसको करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे जो है मुर्गे की छोटी गाड़ियाँ वो या मोटरसाइकिल पर आते हैं तो उनके वायरस और बैक्टीरिया उनके उसके साथ उनके आपके फार्म पे एंटर कर जाते हैं, फिर बर्ड की ग्रोथ नहीं आती क्योंकि वो उसमें वायरस और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पनप जाते हैं और बर्ड स्ट्रेस में रहता है तो वो ग्रोथ नहीं कर पाता, ये ध्यान रखें। अगली वीडियो में हम आपको और बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।